इतना समय क्यों लग रहा है इन्हें? कहाँ रह गए? अरे यशोदा, धैर्य रखो, आते ही होंगे। अरे अरे आते ही होंगे नहीं, आ चुके हैं। आई अरे मित्र, सदा सुखी रहो। दादा, आर्य ठीक ही कह रहे थे, राधा को देखकर ही मुख पे मुस्कान आ जाती है। सदा सुखी रहो। कीर्तिदा, ऋषभान जी, राधा एक क्षण मेरे साथ आओ। किंतु दाऊ, उन सबको छोड़कर कैसे आऊं? अरे राधा, तुम्हें वो सूर्यमुखी के पुष्प देखने थे, तो अभी देखोगी या हम? हाँ हाँ, अभी देखूंगी। हाँ माँ, मैं पुष्प देख कर आऊं? हाँ जाओ। दाऊ क्या हुआ? सब ठीक तो है? सबके मध्य से यहाँ ले आए मुझे। जब मैं बरसाना आया था तो राधा रानी ने मेरा इतना प्रेम पूर्वक स्वागत किया था, तो अब जब स्वयं राधा रानी हमारे वृंदावन आई है तो क्या उनके दाऊ उनका अभिनंदन भी नहीं करेंगे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मुझे ज्ञात है कि अब तुम कान्हा मेरे और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के जीवन में अनंत उल्लास और प्रेम के कई सारे रंग भरने वाली हो। इसीलिए मेरी ओर से ये रंग बिरंगी चुनरी तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। धन्यवाद दाऊ, ये अत्यंत प्यारी है। अच्छी लगी तुम्हें? कान्हा की नटखटी तो मुझे अभी भी आकुल कर देती है। कीर्तिदा, तुम आ गई हो ना, अब तुम भी इस नटखट के कान मरोड़ना। क्या मैया, आप भी ना, सदैव यही करती हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अब मैं सीधा साधा कान्हा बन गया हूँ और आप हो के। अच्छा। हाँ यशोदा भाभी, आप कान्हा को कुख्यात नहीं कर सकती है, वो तो गुणवान है। भाई मैं तो कहता हूँ इसका विवाह कर देना चाहिए। क्या काका, आप तो उल्टा मुझे बसाए जा रहे हैं। क्यों कान्हा, ठीक तो कह रहे हैं वो। कैसी कन्या चाहिए तुम्हें, हमें बताओ, हम वैसी ही ढूंढ लाएंगे। अरे हाँ हाँ कान्हा, बताओ कैसी कन्या चाहिए। आप नहीं तो कल विवाह तो करना ही है, बताओ बताओ। मुझे कैसी कन्या चाहिए, मुझे क्या पता, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं ना कभी। जैसे मैया को ठीक लगे। नौटंकी करना तो कोई इससे सीख। मुझे कैसी कन्या चाहिए, मुझे लगता है कि मैया भली भांति समझती होंगी। मैया आप ही बताइए ना, कैसी कन्या होनी चाहिए। हाँ, मैं अपने कान्हा के मन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसके लिए तो मैं एक अत्यंत गुणवान और सुंदर सी रानी लेकर आऊंगी। ओहो, वो तो ठीक है जीजी, परंतु हम सब भी तो जाने कान्हा के मन की रानी कैसी है, तभी तो ढूंढ पाएंगे ना वैसी कन्या। मेरे मन की रानी, मेरे मन की रानी अत्यंत शांत और सरल स्वभाव की होनी चाहिए। उस रानी का मुख इतना सुंदर होना चाहिए कि उसे देख के हर एक व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। एक ऐसी रानी जो सबका भला ही सोचे, कभी किसी का बुरा न चाहे। एक ऐसी रानी जिसके नेत्र इतने सुंदर कि जो व्यक्ति उसके नेत्रों में देख ले तो पश्चात वो अपने नेत्र उससे हटा ही ना पाए।
तो मेरे मन की रानी ऐसी कदापि नहीं होनी चाहिए। ये देखो। अरे राधा, तुम कहाँ जा रही हो? वो मेरा कुछ सामान छूट गया था, वही लेने जा रही थी। अच्छा, काना जाओ राधा की सहायता करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। क्या सहायता चाहिए आपको? और राधा, तुम अपना सारा सामान काना के कक्ष में रखवा देना। मेरे कक्ष में? जी हाँ, आपके कक्ष में। अब चलिए और मेरी सहायता कीजिए। आइए। इसे कहते हैं स्वयं के पैर पे कुल्हाड़ी मार देना। पूरे बरसाना में कोई नहीं है, अवश्य ही ये कृष्ण का किया धरा है। मुझे कैसे भी उसे ढूंढना होगा। भ्राता आघासुर से जाके मिलता हूँ, कदाचित वही कोई मार्ग बता दे इस कपटी कृष्ण को ढूंढने का। क्या लेके आई हो इसमें इतना? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें ऐसा क्या है जिसको रखने में मैं सहायता कर सकता हूँ? क्योंकि ना, मैंने अपना ये कक्ष जो है ना, सुगमता के लिए अच्छे से सज्ज रखा है, तो मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ बिगड़े। कोई आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं कर लूंगी। सुगमता के लिए ना? नहीं, ये सब मेरा का है, ये सब दाव ने किया है। कुछ भी करते हैं दाव भी ना। बिराना, वो ये भी दाव ने ही किया होगा। हाँ नहीं, मैंने नहीं, ये बरातरी में भूख लगती है ना, तो कुछ रखना चाहिए स्वयं के पास। इससे हम थोड़ा क्या हो गया, इतनी क्रोधित क्यों तुम? क्यों ना क्रोधित हो, बाहर सबको क्या कह रहे थे तुम अपनी मन की रानी के विषय में, और इस राधा रानी का क्या? तुमने तो कहा था कि सबके समक्ष नाटक करना है, तुम तो बहुत अच्छा अभिनय कर लेती हो, तो मैं भी प्रयास कर रहा था। अब सबको थोड़ी ना बता सकते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के प्रेमी हैं। और इस कक्ष का क्या, सब यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे कक्ष में रहूंगी मैं? मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम यहाँ आओगे और इसी कक्ष में आओगे। अच्छा, कल तो तुम मुझसे कह रहे थे कि मुझे अपनी मैया के समक्ष खड़ा कर दोगे। अगली बार तुम्हें अपनी मैया के समक्ष खड़ा कर दूंगा। और तुम्ही ने मेरे बाबा से कहा था ना कि वो वृंदावन चले जाए। ऋषभान जी, किसी और गांव में आपके कोई मित्र तो होंगे ना? नंदी जी है ना, आप सभी वहाँ चले जाइए ना। और अब कह रहे हो कि तुम्हें ज्ञात नहीं था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। ये बात भी ठीक है, चलो मैं अभी इस कक्ष को ठीक कर देता हूँ। मैं वहाँ बरसाने में तुम्हें स्मरण करती रहती थी, और तुम्हारे कक्ष को देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि तुमने मेरा कभी स्मरण ही किया हो। एक ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मेरा तुम्हें स्मरण भी आया हो। मैंने भी तुम्हें बहुत स्मरण किया राधे। कैसे स्मरण किया बताओ? मैंने तुम्हारे लिए प्रेम ग्रंथ लिखा है। प्रेम ग्रंथ? मुझे स्मरण करके? हाँ हाँ, तुम्हें स्मरण करके।